खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर आपको दे दें जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक सैनिकों की जो अतिरिक्त तैनाती की गई है उसको लेकर राज्यपाल का बयान आया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, चुनाव के लिए अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चुनावों को लेकर अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। सीधा रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी का। आसिफ, यानी कि अब साफ हो गया है कि चुनाव के मद्देनजर ये अतिरिक्त तैनाती सुरक्षा बलों की वहां पर की गई है। बिल्कुल अमांगरा, अब राज्यपाल ने खुद एक प्रेस रिलीज जारी कर जो कल से अफवाहों का बाजार के साथ साथ एक पैनिक का माहौल जो कश्मीर घाटी में बन गया था उसको साफ करने की कोशिश की है। इस प्रेस रिलीज में इस बात का व्याख्यान किया गया है कि किस तरीके से अतिरिक्त जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती है जरूरी बन गई थी और ये जो आंकड़ा है और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि चुनाव के लिए और अतिरिक्त बलों की जरूरत होगी। इसके साथ साथ जो राज्य के एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट है रोहित कंसल, उनको राज्य सरकार का प्रवक्ता भी नियुक्त किया गया है और आज 4 बजे वो जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे हालात की व्याख्या भी करेंगे। लेकिन कल से जो तनाव का माहौल बना हुआ है कश्मीर घाटी में उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों में काफी ज्यादा रोष था, खास तौर पर जो इस बात को लेकर था कि राज्य प्रशासन की तरफ से लोगों को कोई जी आसिफ, तो राज्यपाल ने साफ कर दिया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चुनाव के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जम्मू कश्मीर में की गई है। इस खबर से जुड़ा जैसे ही कोई अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे।